साड़ी ही मेरी पहचान बन जाएगी। आज मेरी लाइफ का इतना बड़ा दिन है। ऑल द बेस्ट तो बोल दो। मैं यदि ज्यादा घबरा गई तो मैं नहीं कर पाऊंगी शादी। बड़ी बात है मेरे लिए, बस मैं अच्छे से अपनी बात बोल पाऊँ। मैं बस एंड मेरा एक सप्ताह और पूरा हो गया। हाय सच में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। आई नो मैं इस चैनल पे व्लॉग बहुत कम डालती हूँ, बट ये व्लॉग शेयर करना तो 100% बनता है। आज मेरी लाइफ का इतना बड़ा दिन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी जीवन भर की मेहनत आज सफल हो रही है। बात करते करते देखो मेरी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। दैट आई एम सुपर हैप्पी अबाउट इट एंड सुपर प्राउड ऑन माई सेल्फ। मतलब मुझे लाइफ में बस ये समझ सकते हो, आपकी लाइफ में मुझे आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जो लाखों लोगों में से किसी एक दो लोगों को मिलती है। उन लाखों में से मैं चुनी गई हूँ, मुझे मिली है वो अपॉर्चुनिटी और इट्स अ ह्यूज 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 फॉर मी। आई मीन आप लोगों के बिना तो ये सब चीजें कभी भी पॉसिबल नहीं होती। स्टिल जितना मैं खुद को अंडर जज किया करती थी, हमेशा सेल्फ डाउट में मैं खुद को बहुत ही ज्यादा डाउट में डाला करती थी, और इस चक्कर में दूसरों से खुद को कंपेयर करके मैं मतलब खुद के लिए ऐसा सीन क्रिएट करती थी कि यार मैं मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर कुछ है, दूसरा ज्यादा अच्छे से कर रहा है कोई काम, कोई वट एवर जो भी चीज है पूरी लाइफ में। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अच्छे काम नहीं किए, मैंने किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे किए हैं। खुद पे कभी लगता है कि हाँ यार ये चीज़ मैं तो उससे ज़्यादा अच्छा कर रही हूँ या ऐसा वैसा, बहुत सारी बातें आ जाती हैं दिमाग में। बट आप सेल्फ डाउट में ना खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो। इसकी वजह से ना इंसान अपना कॉन्फिडेंस कम कर देता है खुद पर से, और वो मेरे साथ अक्सर होता है। लेकिन हाँ, लाइफ के इस पन्नों को पलटने के बाद मैं सेल्फ डाउट में तो कभी नहीं आऊंगी कि यार ना मुझे लाइफ का ये पन्ना देख के मुझे ये चीज हमेशा एहसास दिलाएगी कि यार लाइफ में मैंने कुछ तो उखाड़ा है, कि मुझे लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी मिली। अच्छा एक बार ये नॉइज प्लीज इग्नोर करना, ये नॉइज और ये दिक्कत है ना मैं पिछले 2-3 महीने से झेल रही हूँ। ठक 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 दिन भर यही चलता है, इसीलिए मैं दिन में मैं कोई भी वॉइस वाला वीडियो शूट नहीं करती, वो बहुत नॉइज आता है। एंड नेक्स्ट जो मैं बात कर रही थी वो यही है कि आज मैं ऐसी जगह जाने वाली हूँ, आप लोग को दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने अगेन साड़ी ही अटायर चूज करा है, क्योंकि आज मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पे मुझे पहचान दिलाने वाली ना साड़ी ही है। साड़ी ने मुझे पहचान दिलाई है। साड़ी से प्यार मुझे हमेशा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि साड़ी ही मेरी पहचान बन जाएगी। तो आज के अटायर में मैंने साड़ी ही चूज करी है, और वो भी कॉटन लिनन साड़ी। आज मैं वही पहन के जाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी कहाँ जा रही हूँ, क्या है वो सारी चीजें ब्लॉग में आपको आगे मिलेंगी। आई नो मैं बहुत ज्यादा व्लॉग नहीं करने वाली हूँ, बस आपके साथ अपनी खुशी, अपना दिल का सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ, बस इतना जान लो। मतलब आई एम सुपर हैप्पी अबाउट इट। बस मिलती हूँ, जब जाऊंगी ना तब आप लोग को सब कुछ दिखाऊंगी, तब आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी। बस मैं इतना खुश हो रही हूँ ना, मेरी आंखों से आंसू आए जा रहे हैं पूरे। मतलब आई एम सुपर हैप्पी। आई एम गेटिंग रेडी बट आई एम सुपर नर्वस। मुझे मैंने तो सिर्फ ना सिर्फ हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है कि अब जो होगा वो ही संभालेंगे। मेरा दिमाग तो एकदम ब्लैंक सा हो गया है। अब बस मैं जा रही हूँ, जो कुछ भी होगा बस उन्हीं के भरोसे होने वाला है। सो जल्दी से मैं फटाफट रेडी होती हूँ, 11 ऑलरेडी बज चुका है। आई डोंट वॉन्ट टू लेट गाइस। मैं निकलने को तैयार हूँ और मैं जा रही हूँ। लड्डू को बाय बोल देती हूँ। लड्डू बाय। लड्डू लड्डू बाय। लड्डू प्यारा बच्चा, बाय बाय। चलो मैं निकलू, कहाँ गई है भाई? जा रही हूँ मैं। चलो बाय बाय बाय। थैंक यू, ऑल द बेस्ट तो बोल दो। बेस्ट ऑफ लक। I'm literally super nervous. पता नहीं वहाँ जाके क्या होगा, अभी तो मेरे दिमाग एकदम ब्लैंक है, तो समझ में नहीं आ रहा व्हाट आई विल से। सो गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ, पहुंच गई हूँ। रास्ते में मैंने नर्वसनेस के नाते कुछ भी शूट नहीं किया, बिकॉज मुझे बहुत ही ज़्यादा हेजिटेशन और नर्वसनेस हो रही है, अंदर से बहुत घबराहट से भी हो रही है। मैं खुद को बहुत मोटिवेट कर रही हूँ, लाइक ह्यूज, बट स्टिल मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इवन ये एक मौका है मेरे पास अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करने का एक अच्छे तरीके से। मैं यदि ज़्यादा घबरा गई तो मैं नहीं कर पाऊँगी शायद, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं करना, मेरे को करके रहना है, बहुत अच्छे से करके रहना है ये चीज़। एंड यस आई विल शो यू कुछ ही सेकेंड्स में कि मैं कहाँ आई हूँ।
मुझे यहाँ बैठे बैठे अभी आधा घंटा हो गया है और मुझे बहुत डर सा लग रहा है। मैंने तो सिर्फ हनुमान जी पे छोड़ दिया सब कुछ कि भाई वही संभालेंगे, वही देखेंगे। घबराहट हो रही हूँ। मैं कहाँ आई हूँ? यस, मैं शॉक में आई हूँ। डर सा लग रहा है बट ठीक है, आई एम रिकवरिंग माई सेल्फ एंड मोटिवेटिंग माई सेल्फ एंड आई एम वेटिंग कि मैं कब पहुँचूँगी अपने मंच पे और वहाँ पे मैं ये बात अपनी बातें शेयर करूँगी। पता है मुझे मालूम है ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सा बन रहा है। स्टार्टिंग में इतनी बातें कर रही हूँ, इतना सारा बोर कर रही हूँ, मेन जगह पहुँच ही नहीं रही हूँ, लेकिन इन चीज़ों को आप लोगों के साथ साथ ना मैं अपने खुद के लिए कैप्चर कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मुझे हमेशा याद दिलाती रहेंगी मेरी अचीवमेंट्स को। क्योंकि जो सेल्फ डाउट को लेके मैं हमेशा खुद को ब्लेम करती रहती हूँ, वो चीज़ें इस वीडियो को देख के दम हो जाएंगी। तो इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और अपने आप को याद दिलाती रहूँगी ये बात कि नहीं मानसी, तुमने कुछ तो ज़िंदगी में किया है जिसकी वजह से तुम आज यहाँ पे हो। ये वीडियो सिर्फ इसीलिए है, यदि आप बोर हो रहे हो तो आप आगे स्किप कर सकते हो, बट यस ये वीडियो मैं अपने लिए भी शूट कर रही हूँ और इट्स ओवरवेलमिंग डे फॉर मी। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बस मैं अच्छे से अपनी बात बोल पाऊँ, मैं बस ये ही मना रही हूँ भगवान से। गाइस फाइनली शूट इज डन। बहुत डरते डरते मैंने शूट किया है बट दे हेल्प मी अ लॉट, सच में दे हेल्प मी अ लॉट। एंड मैं बीच में बहुत जगह अटकी हूँ बट हमने बहुत अच्छे से शूट कर लिया। एंड दिस इज द रूम जहाँ पहुँचने के लिए लोग सपने देखते हैं एंड मेरा एक सपना और पूरा हो गया। एंड दिस इज, ये इतनी बड़ी बात है ना मेरे लिए। मैं ऑलरेडी अपनी स्टोरी में बता चुकी हूँ कि कितनी बड़ी चीज है ये मेरे लिए, इस मंच तक पहुँचना और आज मैं इस मंच के सामने खड़ी होकर पानी पी रही हूँ, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। So finally I'm going back and I'm super happy and mean a lot यार, ये इतना बड़ा, मतलब आप पता है ये वैसी खुशी है जैसे आप किसी रेस में हो और आप दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो और जो जो जीत जाने के बाद जो खुशी होती है ना, ये वो है। जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी ना, एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही तब मेरे दिमाग में ब्लैंक था, मेरा दिमाग ब्लैंक चल रहा था, मतलब कुछ चल नहीं रहा था मेरे दिमाग में, बस अपना काम कर रही थी। एंड जब वीडियो एंड हुआ, रैप अप हो गया, उसके बाद भाई बाहर आने के बाद जो मुझे खुशी मिल रही है ना, जब से मैं कंटिन्यूअस सिर्फ स्माइल कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने हस्बैंड को फोन किया, उन्हें बताया सब कुछ। एंड और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वीडियो मेरा जो स्टॉक हिंदी पे जाने वाला है, 10 मिलियन जिस पे है उस पे जाने वाला है। एंड दिस इज सो प्रीशियस फॉर मी एंड मतलब मैं क्या बोलूँ, भगवान का कितना धन्यवाद करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब जो भी है, मतलब इतना तो मैंने जान लिया, मैंने कुछ नहीं किया है वहाँ पे, वहाँ पे मेरे हनुमान जी ने ही सब कुछ मेरे से कराया है। क्योंकि आज मैंने पूजा करते वक्त उन्हीं को सब कुछ बोल दिया था कि भगवान मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, आपने सब कुछ हैंडल करना है और मेरा दिमाग ब्लैंक चल रहा है, आप सिर्फ आप जो कहेंगे मैं वो बोलूँगी, तो सब उन्होंने ही हैंडल करा है, बस इतना जान लो आप। एंड है मुझे अपने हनुमान जी पर इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि भाई मतलब बस यही यही है मेरी जिंदगी का, और अब बस अब घर जाएंगे देखेंगे। आई नो लड्डू बहुत परेशान होगा रोएगा। क्या हो गया भाई श्याम, क्या हो गया मिशकल लगा खाने का, रो रहा था। हाय सच में, हाय यही बैठा था, मैंने गेट खोला यही बैठा था। अरे बस कर भाई साहब, बस कर बस कर। मैं घर आ गई, चाय पी ली, ड्रेस चेंज कर लिया और इसी साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि आज मेरे पास दिखाने के लिए है तो बहुत कुछ, बट मेरे जो रेगुलर व्लॉग्स हैं ना वो मेरे आते हैं व्लॉग चैनल पे, मेरे चैनल मानसी लव्स फैशन पे नहीं, मानसी शैल व्लॉग पे। ठीक है, तो आपको मानसी शैल व्लॉग सब्सक्राइब करना है मेरे डेली व्लॉग्स के लिए, बट यहाँ पे मैं अपने ऐसे स्पेशल मोमेंट्स ही शेयर करूंगी। यस यही बात कहनी थी बस मुझे। ठीक है, तो मिलते हैं अनदर व्लॉग में यहाँ पे और इवन फैशन वीडियोस के साथ भी। ठीक है, तो चलो बाय बाय। नमस्ते, मेरा नाम मानसी खरे है और आप मुझे मानसी लव्स फैशन और साड़ी क्वीन के नाम से जानते हो।
साड़ी क्वीन की बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आज पहचान जो बनी है कहीं ना कहीं साड़ी ने मुझे एक बहुत बड़ी पहचान दिलाई है और आज मैं उसी साड़ी के साथ आप लोग के सामने खड़ी हूँ और मैं हमेशा इस साड़ी को अपने साथ कैरी करती हूँ।